आज के इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं, अगर आपकी कोई वेबसाइट है या फिर आप उस पर आर्टिकल लिखते हैं या फिर आपकी वैसी ही वेबसाइट है तो आप उस वेबसाइट में ट्रांसलेट का ऑप्शन किस तरीके से डाल सकते हैं। जैसे कि अगर आप आर्टिकल हिंदी में लिखते हैं तो उसे कोई भी ट्रांसलेट करके इंग्लिश में या फिर गुजराती में या फिर मराठी में या फिर कोई अन्य लैंग्वेज में भी पढ़ सकता है। इसी के साथ में अगर आप आर्टिकल इंग्लिश में लिखते हैं तो उसे कोई हिंदी में ट्रांसलेट करके या फिर गुजराती में या फिर कोई अन्य लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करके पढ़ सकता है। इससे यह है कि आपकी वेबसाइट सही, चाहे आपका आर्टिकल यानी कि ब्लॉग चाहे वेबसाइट क्यों ना सही, ठीक है, उस पर ट्रैफिक ज़्यादा आने की संभावना रहती है। क्योंकि अगर आपका आर्टिकल हिंदी में लिखा हुआ है और कोई गुजराती जानता है तो वो आपके आर्टिकल को वहाँ पर स्किप कर जाएगा, और ऐसे में वहाँ पर अगर आप ट्रांसलेट का ऑप्शन दे देते हैं और वो उसे गुजराती लैंग्वेज में करके पढ़ सकता है तो इससे यह है कि आपकी वेबसाइट पर या फिर आपके ब्लॉग पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आ जाएगा। तो ये ऑप्शन हम अपनी वेबसाइट में किस तरीके से डालते हैं तो चलिए जान लेते हैं। तो ये काम मैं आपको मोबाइल पर ही करके दिखाने वाला हूँ, इसके लिए आपको लैपटॉप वगैरह की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट लॉगिन कर ली है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम साइट से स्क्रॉल करेंगे और प्लगइन को डाउनलोड करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यानी कि अपने वेबसाइट में इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चलिए ऊपरी तरफ स्क्रॉल करता हूँ और प्लगइन इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं इस पर सिंपली क्लिक करता हूँ, ऐड न्यू प्लगइन, ठीक है, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे सेकंड वाले ऑप्शन पर। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आपको यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती है छोटे मोटे कामों के लिए, ठीक है। उसके बाद में आपको सर्च बार में यहाँ पर लिख देना है जी ट्रांसलेट, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी ट्रांसलेट, उसके बाद में हम सर्च कर देते हैं। आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएंगे ट्रांसलेट, तो आपको यहाँ पर ये इंस्टॉल नाउ इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इसे यहाँ पर इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसी के साथ में इसी में ही आपको सारी लैंग्वेजें देखने को मिल जाएंगी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये हमारा प्लगइन है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कुछ सेकंड यहाँ पर वेट कर लेना है। अब ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है, इसे हमें एक्टिव करना है, तो एक्टिव पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे और ये एक्टिव हो चुका है। अब इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी वेबसाइट के होम पेज पर जाएंगे, यानी कि जिससे हम अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पर जाएंगे, और उसके बाद में जैसे कि डैशबोर्ड और होम, ठीक है, हमारी वेबसाइट की जो हेल्थ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं गुड है। उसके बाद में नीचे से हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे और हमें यहाँ पर मिलेगा जैसे कि सेट में प्लगइन, ठीक है, फिर से हम प्लगइन पे सिंपली क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं इसे पहले मैं ऊपर की तरफ यहाँ पर इस पहले इसे स्क्रॉल करता हूँ और प्लगइन पे हम सिंपली क्लिक करेंगे। तो ये है, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे इंस्टॉल प्लगइन, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद में हम यहां से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, देख लेंगे जैसे कि ये है जी ट्रांसलेट, ठीक है, इसे आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। आपको यहां ये सेटिंग्स वाला ऑप्शन मिल जाए, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। अब यहां पर आ जाता है जैसे कि ट्रांसलेट फॉर्म, ठीक है, तो आप यहां पर फॉर्म सिलेक्ट कर सकते हैं जिस भी ट्रांसलेट को आपको करना है, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, आपको हर लैंग्वेज मिल जाएगी, ठीक है, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, फिलीपीनियंस, बंगाली, और आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर इंग्लिश ही रहने दूंगा। अब हम ऊपर वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करेंगे कि आखिर ये आइकन किस तरीके से दिखना चाहिए, ठीक है, जैसे कि जो झंडे होते हैं, ठीक है, वो दिखना चाहिए, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं फ्लैग्स, ठीक है। और इसी के साथ में अन्य तरीके के आइकन चाहिए देखने के लिए, जैसे कि ट्रांसलेट के मतलब है उसका वो समझ जाए, ठीक है, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहा हूँ, जैसे कि लैंग्वेज कोड, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं लैंग्वेज कोड है। और उसके बाद में यहाँ पर मिल जाता है लैंग्वेज कोड और लैंग्वेज नेम, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर इस पर कोई सिंपली क्लिक करेगा तब भी वो ट्रांसलेट कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पर नाम देख सकते हैं, डायरेक्ट अगर कोई नाम से ही ट्रांसलेट करना चाहता है और आप चाहते हैं कि वही फ्लैग और इसकी जो लैंग्वेज है वो दिखना चाहिए तो आप इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, मैं इसी को ही रहने दूंगा क्योंकि ये सबसे अच्छा है, ठीक है, क्योंकि जिस देश में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो देश भी दिख रहा है,
ब्लैंक और उसका वो भी दिख रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्राइमरी मेनू सिलेक्ट कर लूँगा क्योंकि जो ऊपर में प्राइमरी मेनू आता है उसमें दिखें। ठीक है, उसके बाद में आपको सारी लैंग्वेज यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जो जो लैंग्वेज आप यहाँ पर ट्रांसलेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि फिलिपिनिया। आपको ये भी देखना है कि जो आपकी वेबसाइट है वो कहाँ पर ज़्यादा रन हो रही है, कहाँ से हल्का मुल्का भी ट्रैफिक आ रहा है, तो उस लैंग्वेज को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में नीचे की तरफ आप देख सकते हैं सेव नाउ, इस पर आप सिंपली क्लिक कर देंगे तो जो हमारी लैंग्वेज है वो सेव हो चुकी है और हम अपनी वेबसाइट पर जाएंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि इंग्लिश का ऑप्शन आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रांसलेट का ऑप्शन है वो आ चुका है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अपने आर्टिकल पे सिंपली क्लिक किया और यहाँ से ही हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर हर तरीके की लैंग्वेज देखने को मिल जाएगी जो आपने यहाँ पर ऐड कर रखी होंगी। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट करता हूँ और देखते हैं ये ट्रांसलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा, चलिए मैं कोई सी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, इंग्लिश। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा आर्टिकल है वो यहाँ पर इंग्लिश में हो चुका है हिंदी से। ठीक है, क्योंकि ये आर्टिकल है मैंने यहाँ पर हिंदी में लिखा था, अब ये कोई भी इंग्लिश में इसे पढ़ सकता है, तो ये काफ़ी अच्छा इसका बेनिफिट है। उसके बाद में यहाँ पर और भी लैंग्वेज है जैसे कि बंगाली। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बंगाली लैंग्वेज में ये पूरा का पूरा आर्टिकल यहाँ पर हो चुका है, यानी कि एक क्लिक में कोई भी अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करके और यहाँ पर आर्टिकल को पढ़ सकता है, जैसे कि फिलिपिनिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये वाला ट्रांसलेट वाला ऑप्शन है ये आप अपने उसमें ज़रूर डाल लीजिएगा। मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट को एक बार सर्च करके देखता हूँ, हाँ बिल्कुल सही है और ये सही से काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट में सही या फिर आपको YouTube चैनल ऐड करना है अपनी वेबसाइट में तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इससे इस रिलेटेड मैंने पहले ही वीडियो बना दी है कि आप अपने YouTube चैनल को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियोस में आप सीख गए होंगे कि किसी भी वेबसाइट में हम किस तरीके से ट्रांसलेट का ऑप्शन डाल सकते हैं और इस तरीके से आखिर हम अपने ब्लॉग को या फिर अपनी वेबसाइट को और भी अधिक ज़्यादा रन करा सकते हैं। इससे यह है कि हमें भर भर का ट्रैफिक मिलने लगेगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके मन में फिर भी किसी प्रकार का कोई भी सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।